पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या कहा है, यह बात जरा गौर से सुनिए। उसने बाबर आजम को एक अवार्ड देते हुए कहा कि मेरे भाई दुनिया से हारना लेकिन हिंदुस्तान से मत हारना। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कोची में हैं? डिस्प्लेसन में सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। सिर्फ इंडिया को हरा दे, बेशक ट्रॉफी ले ना ले, इंडिया वालों को भी तो सोच देखना। वो ये नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान को हराना है या पाकिस्तान से जीतना है, वो ये सोचते कि भाई हमने ट्रॉफी लेके जानी है। अगर सपोज करें हम इंडिया से जीत जाते आयरलैंड, अगर उससे भी हार गए तो फिर हमारी लाने दे मैच टीम। कदाफी स्टेडियम की क्या कैपेसिटी है? इंटरनेशनल आईसीसी के अंदर रजिस्टर्ड हुआ स्टेडियम हमारी के क्या औकात है? भाई चार पाकिस्तान के मेन स्टेडियम और अहमदाबाद का एक स्टेडियम मुकाबला बनता है? कहीं भी नहीं बनता मुकाबला। आप अहमदाबाद के स्टेडियम की कैपेसिटी देख ले और चार पाकिस्तान के स्टेडियम की कैपेसिटी देख ले, फिर जाके टक्कर होता है। जो पता है हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये अब क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये अब सियासतदान बन गए हैं। ठीक है, ये अपने मुफाद के चक्कर में, सीटें लेने के चक्कर में, बोर्ड में आने के चक्कर में हमारे क्रिकेटर्स कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम से कहा कि मेरे लाडले शहजादे, तू दुनिया से हारना लेकिन हिंदुस्तान से मत हारना। अब बताइए, एक ऐसा बंदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन को बोल रहा है जो खुद चार जंगे हारा है, जिसकी पतलूने आज भी लटक लटक के सड़ रही है। किसी के इवेंट्स के ऊपर इंडिया में नो नहीं कह सकता। चैंपियंस लीग होगी 2025 में, तब इंडिया को आना पड़ेगा। तब क्या पता खान है उसकी अपनी गवर्नमेंट हो। अगर आज खान साहब का है ना इशू, तो तब 2025 में इमरान खान की जान सेफ नहीं है। उन्होंने करतारपुर बुला लिया था ना, जान सेफ है ना सिखों की। अभी देखे खालिस्तान का भी तो इशू चल रहा है, नहीं चल रहा ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट वो कहते हैं जी सचिन हमारा भगवान था, आज सचिन नजर नहीं आता, विराट था। वो क्रिकेटिंग नेशन कहलाती है एक तरफ अपनी, और दूसरी तरफ के पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होने देती, और कहते हैं स्टेटमेंट देते हैं एफएटीएफ में जाने के लिए, कहते हैं हम मैच नहीं खेलेंगे। उनको आईसीसी के तमाम इवेंट खेलने पड़ेंगे। जहां तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स का मसला रह गया तो उस पर सोच विचार हो सकता है। उस पर हमें अपने मॉनिटरी गेन देखना है कि हमारा मैच अगर दुबई में भी जाके होता है तो हम करेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पैसों की जरूरत है। भाई चार पाकिस्तान के मेन स्टेडियम और अहमदाबाद का एक स्टेडियम मुकाबला बनता है? कहीं भी नहीं बनता मुकाबला। आप अहमदाबाद के स्टेडियम की कैपेसिटी देख ले और चार पाकिस्तान के स्टेडियम की कैपेसिटी देख ले, फिर जाके टक्कर होता है। इंडिया वहां से आईपीएल के थ्रू टैलेंट निकलवा के अपनी टी20 की टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और भी कई सारे फॉर्मेट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और हम लोग यहां पे पीएसएल से मराए, कभी कोई टैलेंट निकला नहीं, और हम लोग ये कहना चाह रहे कि इंडिया को हरा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा, इंडिया तो आराम से हरा देगी, हम लोग इंडिया को हरा पाएंगे। ऊपर से हमारा माइंडसेट अगर एक ही टीम को हराने पे लगा तो जो बकाया जो इतनी बड़ी बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड न्यूजीलैंड, उनसे क्या हार जाएंगे? यानी कि हमें वर्ल्ड कप हराना है, आपने हमें तो इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। पीसीबी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है मुझे पर्सनली पूछेंगे, मेरा इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उनकी स्टेटमेंट क्या थी, वी आर कादिर ख्वाजा, ये स्टेटमेंट मैं बता देता हूं आपको क्या है। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप के अंदर आप किसी भी टीम से हार जाए इंडिया से नहीं हारना आपने। जी हाँ, वर्ल्ड कप के अंदर आप किसी भी टीम से हार जाए इंडिया से नहीं हारना आपने। इसे देखिए, आपने कह दिया बात खत्म होगी, लेकिन अब इसको जैसे कहते हैं ना, आप तशरीह करें इस स्टेटमेंट की, स्टेडियम इसी स्टेटमेंट को आप रिसर्च करें, इस स्टेटमेंट को आप एनालाइज करें, तो बड़े सारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, आप सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी चलती आ रही है, तीन दफा तो आपस में जंगें हो चुकी हुई है, तो आप क्रिकेट को भी जंग के अंदर तब्दील कर रहे हैं। क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है। फिर दूसरी चीज ये आती है, क्या आपके लिए वर्ल्ड कप जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंडिया को हराना इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज आ रही है। तीसरी चीज आ रही है कि आप वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम को इक्वली समझ रहे, आपकी नजर के अंदर बाकी टीमें सारी फाड़ी है, इंडिया की टीम सबसे अच्छी है, ये गलत है। अभी ओवर टाइम कंट्रीज है ओवरसीज, पाकिस्तान क्रिकेट में आ रहे हैं खेले आगे ओवरसीज हमारे खिलाड़ी, वो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं अपने कंट्री में, तो वो जाके उधर बताते हैं कि यार इधर पाकिस्तान सिक्योर मुल्क है, फिर उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। अगर इस बार पाकिस्तान जीत भी जाता है, मान लो जीत भी जाता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, आठ में से एक बार पाकिस्तान जीत गया तो कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, लेकिन सुनो ये मुमकिन नहीं है, ये जीतना हिंदुस्तान से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेके आया है तो भाई हिंदुस्तान के पास इस टाइम ऐसे बॉलर्स और ऐसे बैट्समैन हैं जो दुनिया जो है दुनिया दुनिया यानी कि ऑल वर्ल्ड लोग तरस रहे हैं उसके लिए, ऐसे 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 प्लेयर हैं। अगर वो नहीं है तो हमारे पाकिस्तान टीम को भी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए इतने बड़े बड़े कैरन पुलार, टीम डेविड वीजा जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन वो बैड इमेज तो डालते हैं इंटरनेशनल। सारी बात वो तो एक्स जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया उस पे जानी हमला हो जाए तो फिर टेंडर बनती है, वो तो सारी बात है कि ये हमें जरा इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी घर की बात है, हमें इन चीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझसे नबी ने बोला कि भाई इंडिया से मैच नहीं हारना, चाहे आप पूरे वर्ल्ड कप हार जाओ, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतने नहीं जा रही, इंडिया को हारने जा रही है। यार मोहसिन नकवी ने स्पीच माशाल्लाह से बहुत सोच के दी है, मैं इस सोच को सलाम करता हूं कि इंडिया को आप लोग हरा दो, ठीक है हरा दिया हमें, जिस तरह आप लोग पहले जो जिम्बाब्वे से हराए थे ना, मुझे उम्मीद है और पूरा शक भी हो रहा है कि हम लोग आयरलैंड से भी हारेंगे। यार आप लोग इंडिया को हराने की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इंडिया को कहां से हराओगे? आप मुझे पहले ये बताओ,
स्टेडियम में भी आप लोग उनको कभी नहीं हरा सकते, टैलेंट में तो छोड़ ही दो ना कि आप लोग इंडिया का कभी मुकाबला कर सकते हो, और उनकी करंट टीम के अंदर भी आप लोग उनको नहीं हरा सकते, ऑडियंस में भी नहीं आप लोग उनको हरा सकते। पूरे पाकिस्तान के चार स्टेडियम भी पूरे दुनिया में कटे हो जाना, अहमदाबाद का स्टेडियम ना हमें चुपेड़े मारता है इस चीज के ऊपर। या मुझे तो ना इनके माइंडसेट की ना समझ नहीं लगती कि ये क्या माइंडसेट लेके घूम रहे हैं, सिर्फ इंडिया को हराने तुम लोग वर्ल्ड कप जा रहे हो भाई, वर्ल्ड कप है मजाक नहीं है, तुम तो ये कहो कि सारी टीमों को तुमने हराना है, ये लोग सिर्फ इंडिया को हराने के लिए तुले हैं। वहां पे इंडिया से सवाल पूछना वो क्या हमारा किसी टीम से कोई ऐसा लिंक नहीं है, हमने हराना है तो हराना, सारी टीम को हमने वर्ल्ड कप जीत रहा है। अगर उनसे पूछना क्या पाकिस्तान को स्पेशली हराना चाहोगे, वो कहेंगे भाई पाकिस्तान को बड़ा मानती नहीं, वो तो हमारे लिए एक और छोटी मोटी टीम है, हम लोग तो इनको ऐसे आगे चला जाएंगे। इधर हम लोग उनसे बस एक बार जीते थे, हमने पूरे दो साल जान नहीं छोड़ी इंडिया की, वो लोग हालांकि हमें इतनी देर से हराते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम लोग पाकिस्तान को हराते हैं, उनके लिए तो यार नॉर्मल डे था। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इंडिया को हराने का मकसद रह गया, वर्ल्ड कप नहीं जीतना जाना हमने, यार जो उनकी बातों को लग रहा है ना, मुझे तो ये लगता है बस इंडिया को ये लोग हराते हैं, मुझे लगता है वो भी ये लोग हरा पाएंगे। क्या लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से? जो हालात है ना हमारी टीम के, ये जो हमारा बोर्ड बना हुआ है कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, मुझे तो लगता है बहुत बुरा हारेंगे, और कोई हमारा चांस ही नहीं है यार। वहाँ पे इंडिया का बोर्ड देख लो, उनके आईपीएल में टैलेंट से टैलेंट निकली जा रहे हैं, और उनको क्या चाहिए यार, उनकी टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग है उनके। हम पाकिस्तानियों के ना, हमें ना हमारे पीसीबी चेयरमैन ने ना हमारे दिमाग में क्या डाला हुआ है, इंडिया से हम लोगों ने जीतना है। ओ भाई क्यों इंडिया से जीतना है, हार जाओ, वर्ल्ड कप के बारे सोचो भाई, कितनी देर होगी, हम लोगों ने सोच को बड़ी करो, हम लोगों ने बड़ी देर होगी, हम लोगों ने एक चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम लोगों ने कोई भी आईसीसी फॉर्मेट का कोई ट्रॉफी नहीं लिफ्ट की, वो तो भाई शुक्र है मोहम्मद आमिर का शुक्र है, हसन अली का शुक्र है, सरफराज अहमद का शुक्र है, बाबर आजम का शुक्र है, और क्या कहते हैं अजहर अली का शुक्र है कि भाई इन लोगों ने परफॉर्म करके हमें इंडिया से जीतवा दिया। तो वो भी शुक्र करता हूं कि धोनी नहीं चला था, विराट कोहली जल्दी आउट हो गया था, नहीं तो हमें भाई बहुत देर पहले कोई ना क्या कहते हैं स्टोन एज की उम्र में हम लोगों ने कोई उठाया होना आईसीसी की ट्रॉफी। बस हमारे दिमाग में यही मोनोपोली चल रही है कि हम लोगों ने इंडिया को हराना है, बेटर हम लोग आगे जाके ऑस्ट्रेलिया से हार जाए या इंग्लैंड से हार जाए। तो वही है ना कि हमने सिर्फ वो दुश्मन का बदला लेने जा रहे हैं, अगर वो इंडिया से जीत जाए बकाया टीमों से ना जीते, फिर सारी टीमों के साथ खेले ना, बस इंडिया के साथ खेल के उनको हरा दे वापस आ जाए, फिर यही कह सकते हैं यार जी साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी, कितनी ज्यादा टीमें हैं, उसका यार कहने का मतलब ये बने ना कि इस वक्त दिल लगा के खेलो, चेयरमैन उसको बनाया तो इसलिए बनाया ना, अपनी टीम को थोड़ा वॉच करें, थोड़ा सर्विस करें उनकी, ताकि वो आगे जाके सारे खिलाड़ियों का मुकाबला करें। ऐसे से पाकिस्तान भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं लेके आया, फिर भी कहते हैं कि भाई इंडिया को हरा गए हो, उनकी पहली स्टेटमेंट ऐसी गलत स्टेटमेंट आई है, तो इसको तो मैं आप कहते हैं ना गो थ्रू कर रहा हूं, इसको निगलेक्ट कर रहा हूं कि अभी उनकी ये पहली जो कहते हैं स्टेटमेंट आप कह सकते हैं गलत स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आगे जाके भी ऐसी स्टेटमेंट आते तो फिर मसला ज्यादा हो जाएगा, अलबत्त जो कहानी है वो चलती रहेगी। मेरे को ना जाए बेहतर है, इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान क्यों जाए वहां पे, उन्होंने कहा इंडिया टीम पाकिस्तान ना जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है, झूठ है सब झूठ है, न्यूजीलैंड ये एसएल हो रहा है यहां पे, न्यूजीलैंड की मसला हल हुआ सिक्योरिटी का, उनका भी मसला हल हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो बुरा जाता है, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर पे जान का हमला हो जाए तो पूरे इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं गलत चला जाए, बात पर लगे इंडिया डाटा यहाँ से उनको मैच पड़ जाएगा, इसलिए वो आने पूछता रहते हैं हमेशा, वो डरते रहते हैं सिक्योरिटी की, तो टेंशन नहीं जो फोर्सेज। तो दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है उन्होंने बाबर आजम को बोला है कि भाई आप दुनिया में किसी से भी हार जाना लेकिन इंडिया से नहीं हारना, तो भाई पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है उनको भी आर्मी से अब सख्त हिदायत मिल गई है कि इंडिया से जब खेलो तो बहुत ही सावधानी से और अच्छे तरीके से खेलना, अगर हार गए तो तुम्हारा हाल पता नहीं क्या करेंगे वो, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो है ट्रेनिंग हुई थी काकुल में, वहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई जगह है, क्योंकि इनकी फिटनेस ख़राब थी और बेकार फिटनेस से ये खेल भी अच्छा नहीं रहे थे और परफॉर्मेंस इसकी लगातार ख़राब होती आ रही थी, वर्ल्ड कप में भी हारे, एशिया कप में भी हारे, उसके बाद ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब के साथ जितने भी सीरीज हुई वहाँ पर सब से हारे हैं, और अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ चुकी है और पाकिस्तान के साथ उनका T20 जो सीरीज शुरू होगी, और जून के अंदर जो है वर्ल्ड कप T20 का शुरू हो रहा है उसके अंदर भाई इंडिया की आमने सामने टक्कर होगी पाकिस्तान से, तो भाई इसी वजह से जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने बाबर आजम को बोला है कि भाई सबसे हार जाना लेकिन इंडिया से नहीं हारना, और क्योंकि चार लड़ाइयाँ हो चुकी है पाकिस्तान की आर्मी के साथ और इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कि जो आर्मी चार चार बार इंडिया से हार चुकी है उसका जो चीफ है वो बोल रहा है कि भाई इंडिया से नहीं हारना, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है उनको भी पता है कि भाई इंडिया के सामने अगर वो आते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, और वर्ल्ड कप में भी लगातार जो है 8 बार पाकिस्तान की टीम हार चुकी है और उनको हमेशा ही जो है हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब पाकिस्तानियों की तरफ से भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी भाई ये ओपनली कह दिया है भाई पाकिस्तान जो है हर किसी भी टीम से हार जाए लेकिन इंडिया से नहीं हारना, तो ये तो टाइम बताएगा, और स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली लेना कि भाई पूरे जो आर्मी चीफ तक ये बोले कि भाई इंडिया से नहीं हारना, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है साफ साफ और उनको डर भी लग रहा है कि भाई इंडिया से हार सकते हैं, तो ये बातें समझाने से कुछ नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है और स्किल्स जो होती है वो काम आती है स्पोर्ट्स के अंदर, और इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग टीम है और फिलहाल जो इंडिया के पास बॉलर और बैटिंग लाइन दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त है और एक से एक बैट्समैन और बॉलर निकल कर आ रहे हैं इंडिया की टीम में, तो टाइम बताएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम जो आमने सामने होगी T20 का वर्ल्ड कप जो हो रहा है जून में, तो वहाँ पर देखेंगे क्या इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो क्या पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर पाएगा और इंडिया के सामने कितना टिक पाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।